वेलकम टू पढ़ो लिखो आज का सेशन जो है वो एक ऐसा सेशन है जो कि पूरे भारत को और भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सारे विकसित बनना चाहते हैं भारत एक विकसित नेशन बने विकसित भारत एटलीस्ट जब हम सौ साल अपने इंडिपेंडेंस के पूरा करें तो उस समय भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में हो हम उस दिशा में अच्छी अच्छी खासी प्रोग्रेस कर चुके हैं इट्स नॉट लाइक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच वी ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट आवर जी डी पी रैंकिंग इफ यू विल सी इन वर्ल्ड वाइड एन वी आर द सिक्स लार्जेस्ट इकोनमी इट इज़ नॉट अ बैड थिंग और इट इज अट ए स्मॉल थिंग वी अचीव मेनी ऑफ द थिंग्स बट स्टिल वी हैव टू अचीव मच 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 मोर थिंग्स बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर वाट अवर मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी संस्थाएँ अपने रिपोर्ट में बोलती है कि भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्टल मगर मेरा मानना है कि पॉपुलेशन इज आवर गिफ्ट ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसके कारण आज यूरोप के सारे कंट्री और अदर एशियन डेवलप्ड कंट्री आज पिछड़ते जा रहे हैं वो हमारे पक्ष में है और दैट इज आवर बिगेस्ट गिफ्ट और बिगेस्ट एडवांटेज ओवर अदर नेशन आज जापान एक बूढ़ा देश बनता जा रहा है यूरोप एक बूढ़ा देश बन चुका है वहाँ की आबादी यंग नहीं है नो देयर वेरी थिन पॉपुलेशन आर इन वर्किंग एज वट वी हैव अराउंड 60% परसेंट पॉपुलेशन और वर्किंग एज और इस डिविडेंड को अगर हम लोगों ने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो भारत विकसित बनेगा और अगर नहीं कर पाए तो यही चीज़ हमारे लिए डिजास्टर बन जाएगी तो ये एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है कि हम उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करें कैसे उस डेमोग्राफिक डिविडेंट को हम एक स्किल्ड लेबर के रूप में ट्रांसफॉर्म करें जैसे कि चाइना ने आज से फिफ्टी सिक्सटी ईयर्स बिफोर किया था और ये एक वर्ल्ड का मैनुफैक्चरिंग हब बन के तैयार हुआ और आज तक इकोनमी में अपने आप को पोजिशन किए हुए तो भारत के लिए भी एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और उससे भी सुनहरी बात है कि हमारे लीडरशिप जो कि इस सपने को देख रहे हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल 100 परसेंट कमिटेड है तो विकसित भारत का सपना हमारा सपना है कि जब भारत हंड्रेड इंडिपेंडेंस डे गे इंडिपेंडेंस डे मना रहा हो 2047 में तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन के उभरे हर एक हर एक फ्रंट पे इट्स नॉट ओनली फिनांसियल फिगर ऑन द सोशल लेवल इंटरनेशनल लेवल हर एक फ्रंट पे भारत एक डेवलप्ड नेशन बने लेकिन ये राह उतना आसान नहीं है ये रास्ते उतने आसान नहीं होंगे जितना सोचने में लगता है सोचना करना और अचीव करना तीनों में बहुत बड़ा फर्क होता है लेकिन ये भी बात नहीं है कि हमें इससे डर के बैठ जाना चाहिए कि नहीं हो सकता बहुत ही कठिन है नहीं ऐसी भी बात नहीं है वी आर ऑन द लाइन वी हैव टू पुश सारे भारतीयों को एक साथ मिलकर थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा एक सही डायरेक्शन में तो हम उस रास्ते पर निकल पड़ेंगे जहाँ से एक विकसित भारत का सपना पूरा हो सकेगा टेक्निकली टेक्निकली वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग देन वी हैव टू फोकस मस्ट वाट इज द इशू हियर वाट वाट इज आवर इशू इशू इज आवर विकसित भारत दैट इज आवर गोल सबसे पहले हमें गोल में क्लियरिटी चाहिए अगर कोई भी चीज़ लाइफ में हमें अचीव करनी है इफ़ यू विल डिस्कस विथ ऑल द इंटिलेक्चुअल्स विल सी द मेनी ऑफ द कंटेंट रिलेटेड टू विकसित भारत बट दे आर नॉट होलिस्टिक ड्यू टू दिस दिस सीरीज ऑफ द सीजन्स आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट यू आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विकसित भारत वेरी होलिस्टिकली फ्रॉम ऑल द फ्रंट क्योंकि भारत एक अनूठा देश है भारत एक यूरोपियन कंट्री नहीं है और भारत एक अमेरिकन कंट्री नहीं है जिसका इतिहास 300-400 साल पहले से पुराना नहीं है आज जब सपोज करो कि कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान का नागरिक विकसित पाकिस्तान के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि उसके सपने में भी नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान का 70 75 इयर्स के पहले कोई ना इतिहास रहा ना कोई उसकी लेगेसी रही है वो कहाँ से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा कनेक्ट करने की सिचुएशन में ही नहीं है बट इंडिया इज़ इन द सिचुएशन टू कनेक्ट आवर लेगेसी बिकॉज एक समय में हम लोग विश्वगुरु भारत थे द वाई नॉट वी बिकम मे विकसित भारत विश्वगुरु भारत तो हमारा बाद में आएगा पहले तो हमें विकसित भारत बनना है तो गोल हमें हमें क्लैरिटी चाहिए और वो गोल बिल्कुल क्लियर है कि विकसित भारत 2047 में बनना अब क्यों बनना है ये भी हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकली जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हमें क्यों बनना है तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे बनना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज अ ह्यूमन बींग वी विल जम्प सडनली हाउ इट विल हैपन आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे बड़े बड़े पत्रकार एक सेकंड इंटेलेक्चुअल पर्सन के एनालिसिस सुनोगे तो इमिडिएटली दे विल जम्प हाउ इट विल हैपन मेरा मानना है और इफ़ यू विल विल इफ़ यू अंडरस्टैंड मेन फंडामेंटल थिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिवेशन मीन्स हाउ ह्यूमन ब्रेन विल स्टार्ट टू एक्टिवेट एंड वर्क टूवार्ड ए पर्टिकुलर गोल तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है रीजन कारण हमें क्यों बनना है क्या हम डिजर्व करते हैं इसके लिए क्या हमारे पास कुछ और भी रेफरेंस पॉइंट है जो कि हमें यह साबित करते हैं या हमें यह इंस्पायर करते हैं कि विकसित भारत होना चाहिए तो सबसे पहले कैसे होगा उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें क्यों बनना है विकसित भारत अगर हमारे पास रीजन होंगे तो रास्ते अपने आप निकलेंगे अगर रीजन स्ट्रांग नहीं होगा तो कितने भी रास्ते के बारे में डिस्कस कर लो रास्ते नहीं तो हमें सबसे पहला चीज है कि व्हाट वी वांट इट्स बी वेरी क्लियर विकसित भारत 2047 क्यों हमें चाहिए क्योंकि हमने पहले अपनी लेगेसी को ऑलरेडी हमारे पास है जस्ट थाउजेंड ईर्स बिफोर वन थाउजेंड फाइव ईयर्स बिफोर वी वेर द टॉप इन द वर्ल्ड इन एवरी एस्पेक्ट आइर इट वॉज ट्रेड और नॉलेज और इट मे बी पॉलिटिक्स और इट मे बी इकोनॉमिक्स और इट मे बी इट मे बी डिफेंस इन एनी ऑफ द फैक्टर इंडिया वॉज ऑन द टॉप एंड वी अगेन वू गेन द सेम पोजिशन लीडर विश्व गुरु भारत तो हम पुराने अपने लेगेसी को फिर से रीगेन करना चाहते हैं एंड नाउ दिस इज द टाइम वी आर इन द करेक्ट ट्रैक डू टू वी डिजर्व इट क्यों हमें चाहिए विकसित भारत क्योंकि हम डिजर्व करते हम पहले भी बन चुके थे पहले भी थे आज फिर से लास्ट थाउजेंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री भी डिस्टर्ब कल्चरली इम्पोज बाई अदर सो मेनी नेशंस स्मॉल स्मॉल नेशंस, दे रूल्ड ओवर अस एंड दे इम्पोज देयर कल्चर दे आर सो मेनी थिंग्स, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया इज अगेन रीगेनिंग देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड ओल्ड आवर स्ट्रेंथ विच वेयर एंशियन टाइम वी became the Vishw Bharat. Then now we deserve it to regain this position. Then this is our reason. This reason must be clear. Otherwise, if reason is not very clear, if we are not much clear about why we want anything, it will be difficult to achieve. Now, how to get it? Of course, in one line we cannot explain how we will, how India will become Viksit Bharat. It's not easy to explain, or it's. Not easy to understand because India itself is a very complicated country. It is too much diverse country, but diversity is our strength, and we have proven in last seventy five years. Diversity is always our strength, and we have proven this in last seventy five years after independence. Even before before that, we can say it was not a democratic system. Due to after democracy, once we achieve the independence afterwards, this diversity we have proved, it is our strength. then it is long and a difficult path. we have to sacrifice a lot. we have to do a lot. we have to plan a lot. and we have dared to execute the plan. only planning is not sufficient. planning is one part, but execution of the plan is most critical part. then one of the way, just we can just refer to our vivekananda who told arise awake and do not stop until the goal is reached means same thing we have to apply for next whatever remaining years are we have whatever number of years we have from now same thing we have to apply we have to arise awake and do not stop until we will not achieve Vixit Bharat in 2047

डेवलप्ड नेशन वन फोर्टी करोड़ स्टेप्स विल गो टू आर्ड दैट डायरेक्शन that much is more more than enough to become a developed nation. Now, just विल try to understand कि हमारे सेंस में विकसित भारत का क्या मतलब है सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि विकसित भारत है क्या हमारे सेंस में क्योंकि सबके लिए अलग अलग होते हैं एक अमेरिकन के लिए लाइफ स्टाइल मैटर करता है एक ब्रिटिश के लिए उसके अपने ब्रिटिश ट्रेडिशंस को मेंटेन करना वो मैटर करता है हम भारतीयों के लिए क्या मैटर करता है व्हाट इज मैटर फॉर इंडियंस और हमारे लिए विकसित भारत और ये डेवलप्ड नेशन का क्या कॉन्सेप्ट है क्योंकि सारे सारे कंट्री जो है अपने अपने कल्चर के अनुसार डेवलप करते हैं पिछले कई सौ सालों से हम लोग दूसरे के कल्चर को ढोते हुए ढोते दो, हुए आगे बढ़ रहे हैं वी आर नॉट फॉलोइंग आवर ओन कल्चर वी आर नॉट फॉलोइंग आवर ओन ओन सिविलाइजेशन वी आर डिटैच फ्रॉम ओन सिविलाइजेशन ऑलदो दे ट्राइड टू ट्राइड टू फुल्ली डिस्ट्रॉयड आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर बट वी आर वेरी डीपली रूटेड वी हैव नॉट डिस्ट्रॉयड वी आर ओनली टेम्परली डिसकनेक्टेड बट अगेन वी आर री गेनिंग आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर वेरी इनडेप्थ रूट डू टू ऑल पीपल ट्राइड

कि अगर आप पॉपुलेशन में नंबर वन है तो आप विकसित हो जाएंगे उसमें हम लोग ऑलरेडी नंबर वन है तो भारत को बोल सकते हैं हम विकसित हैं पॉपुलेशन इन नाउ इंडिया इज द नंबर इन पॉपुलेशन वी ऑलरेडी लेफ्ट बिहाइंड चाइना इन पॉपुलेशन वी ऑलरेडी नंबर वन बट दैट इज नॉट डिफाइनिंग आवर डेवलपमेंट इंडेक्स इवन डेवलपमेंट इंडेक्स वी विल कॉल अबाउट एच डी आई दैट इज इंटर इंडियन मोनिट्री फंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज देयर So who is there all are making their reports but in all the this kind of reports and indexes india is far behind our gdp is in good condition we are sixth largest economy but per capita income per capita income we are almost below 140 because population is huge, the 6th largest economy also are not able to improve with our per capita income. And if we will compare or if we want to become a developed nation, then we must come in upper income age group. These are just division, division made by the international organizations like poor level, lower middle, medium level, upper medium level, upper level. We are technically, or based on the data and figure, we are in the lower middle class, or you can say this slot, lower middle middle class slot means our income is per capita income is far far less than if we will compare with the USA, most developed nation because financially or based on the economy. Our our range of per capita income is hardly coming. Two thousand to two thousand five hundred dollar, but developed nation, you will compare then it is more than ten thousand. Then here economy side, it is a big battle. It is a big battle. We have to fight. Fight means it is not only external fight, external internal fight. We have to we have to fight on individual level, on the state level, on the nation level because. नेशन अलोन इज नॉट ए थिंग वी आर ए जस्ट ए ग्रुप ऑफ द पीपल ग्रुप ऑफ द स्टेट्स देन सो नेक्स्ट इज योर सोशल डेवलपमेंट मीन्स ओनली पॉपुलेशन कैन नॉट डिसाइड यू आर डेवलप्ड नेशन ओनली इकोनॉमी ऑल्सो कैन नॉट डिसाइड यूर डेवलप्ड नेशन योर सोशल डेवलपमेंट मस्ट बी अ फैक्टर कि आपका पोवर्टी पोवर्टी रेशियो कैसा है आपके लोग कितने सुरक्षित हैं आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है लोगों में शिक्षा का दर कैसा है तो ये सारे सोशल डेवलपमेंट भी एक फैक्टर दूसरी बात बहुत सारे लोग मिलेंगे तो अर्बेनाइजेशन इज वन ऑफ द फैक्टर लाइक अगर हम डेवलप्ड नेशन की बात करें तो दे आर देर अर्बेनाइजेशन इज गोइंग टू बियॉन्ड फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट एंड मेनी ऑफ द कंट्रीज इट इज एटी परसेंट और मोर देन एटी परसेंट बट इंडिया अराउंड ट्वेंटीज इंक्रीज देन इंडिया पैरामीटर दैट ऑल्सो नॉट ए थिंग इफ यू टू द बिग सिटीज then urban poverty is are more painful than rural poverty because urban poverty no one is going to help you it is a very unsecured social situation if you are a poor person and living in rural area at least you will have some kind of security but urban poverty is more painful and do in the process of urbanization or I used to say it is haphazard urbanization it is not planned urbanization unplanned urbanization only few pockets of India are growing only few pockets you can count on the finger how many big cities we have where we can say it is a it is a perfectly metropolitan city or it is a perfectly in the situation of urbanization big big cities also will see it is a pathetic situation

able to make the defense production in, in own, own country or you are in the good condition in the defense, then we can say it is developed. Like USA, we are mainly telling developed nation because in defense they are much developed. But again, alone defense is not going to define you. Cities, few cities you developed, it is not going to make the solution. This huge population, 140 crore population, and when we will become developed nation, whatever our goal is there in 2047, till that the, our population will become 165 crore. We, will, we are rushing towards very fast, towards 2 billion population. And maybe next 30 to 40 years we will achieve it also. In that achievement, we are very good. We will achieve it. Population wise, we will always top. No one can cross it. But that one kind of hurdle also, and one kind of benefits also. If that can be utilized as a benefits, as a dividend, it is going to become a gift. If we are not going to utilize, it will become a big disaster. Then cities only cannot make you developed, because cities are having to certain limitations. Like just suppose if you, you have developed ten cities, twenty cities how many crores population will live in 10 or 20 cities or maybe 30 cities, 40 cities. only development of cities are not a solution. because if you are focused on only city development, rural area will never develop. and rural, from rural to urban area, if forced migration are keep on happening, you cannot become a developed nation. means rural area also should get a meaning of development. meaning of development means, we are thinking the meaning of development means only, only good road and hi-fi things and all the commercial things should be available, markets should be available. It is not only limited up to that. People should feel personally, socially, financially secure at any place that is meant development. Either they are living in the very of the rural area or maybe urban area. First we want these 3-4 kind of securities. If forced migration are नीमाइज फ्राम रूरल टू अर्बन एंड रूरल पीपल ऑल्सो फीलिंग वीअर इन गुड कंडीशन हम यहाँ भी रहकर अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकते हैं हमें क्या जरूरत है बड़ी सिटी में जाने की लेकिन उसके लिए हमें सरकार की मदद चाहिए हमें कोई सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक छोटी छोटी इंडस्ट्री चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होम बेस्ड इंडस्ट्रीज जहाँ से लोग सिर्फ एम्प्लायमेंट के कारण फोस्ड माइग्रेशन के लिए मजबूर ना हो तो सिर्फ सिटी का डेवलपमेंट ऑल्सो नॉट ए सोल्यूशन आई डेवलपमेंट आईटी डेवलपमेंट इतने सालों से भारत में आईटी टी हुआ बट कितने सिटी डेवलप हो पाए बेंगलोर डेवलप हुआ थोड़ा हैदराबाद हुआ तीसरा गुरुग्राम हुआ आप चौथा सिटी बता दो जो कि आईटी के कारण डेवलप हुआ और दूसरी बात आईटी में जीडीपी जनरेशन तो होता है हमारा जीडीपी जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है बट नंबर ऑफ पीपल्स आर इंगेज वेरी लेस मीन्स पीपल आर लेस gdp generation more per capita income more but only limited to few people only limited to few thousand that is not going to give a solution for country like 140 crore plus population of kind of india then it is also only not solution it is only just a booster dose because it will give you lot of revenue lot of gdp development

We are giving much weightage for service sector because service sector are giving much GDP. Almost 60% GDPs are coming from service sector. But employment, if you will see, the percentage of people are employed in service sectors are very less, hardly three to four percent. This is one of the biggest problem. Agriculture is giving our GDP very less percentage, but most of the people are. Engaged in agricultural activity directly or indirectly, and that is giving one of the biggest unbalance in the ratio. Or we can say, as a mathematics student, you can understand GDP by number of people, GDP by number of people, agriculture and service sector. It is totally unbalanced. Then first thing we have to try to balance these two sectors, manufacturing. मैनुफैक्चरिंग विच इज हैविंग द कैपेसिटी टू प्रोपरलीअर ग्रोथ लाइक एनी ऑफ द एनी ऑफ द कंट्री हैज ग्रोन और एनी ऑफ द कंट्रीज बिकम डेवलप्ड देअर ग्रोथ इंजन वॉज मैन्युफैक्चरिंग नॉट सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर हैज कम रिसेंटली आपका जो ग्रोथ इंजन होगा मैनुफैक्चरिंग होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ही कैपेसिटी है कि आपके करोड़ ऑफ करोड़ पीपल को रोजगार दे सके उसे एक अच्छा लाइफ दे सके उसे एक सोशल लेवल पर फैमिली लेवल पर सिक्योरिटी दे सके और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आना पड़ेगा और इसके लिए बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जैसे कि आज़ादी के बाद नेहरू जी के समय में इन्वेस्टमेंट हुई थी कि सारे बड़े बड़े पी बड़े बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ खुली थी एक बार फिर से ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिग बिग बिजनेसमैन जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग यही हमारा इंजन है अगर ये इंजन मूव नहीं होगा तो पीछे की बोगिया मूव नहीं होगी तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा तभी कुछ भी ग्रोथ हो पाएगा तो ओनली आई टी इज नॉट ए सोल्यूशन ओनली साइंस एंड टेक ए सोल्यूशन एवरीबडी विल बिकम इंजीनियर बट आफ्टर बिकमिंग इंजीनियर एंड टेक्निकल पर्सन 80 परसेंट पीपल आर नॉट गेटिंग गुड इंप्लॉयमेंट दैट इज ऑल्सो नॉट ए सोल्यूशन ओनली गिविंग डिग्री इज नॉट ए नॉट विल किल द प्रॉब्लम नेक्स्ट इज स्टेट्स एंड रीजनल डेवलपमेंट like a states few states if it is much developed few states are lagging behind that is also not issue we are from last 50 years our planning commission now it is a niti Aayog. they focused only just a part of few states or few part of the nation which are giving you big big income in form of tax like maharashtra delhi tamil nadu punjab these four areas are giving maximum taxes. Then government of India also focusing on these four only. But this is not good. If you want as a developed nation, you have to come out from this this old theory of the old theory of the you can say taxation and afterwards collection and redistribution. You have to focus on other part of India also. Then only developed nation we can achieve otherwise it will be just a development will happen and it will achieve a saturation of few part of India and will slowly slowly start to decline and overall India will go in declining path to achieve the equilibrium or sustainability to achieve the equilibrium and sustainability we must develop almost a almost holistically which area which states are having their whatever positive things are there you uplift that then only overall first our target is to gain the double digit gdp growth rate 10 plus and 10 plus growth rate will not achieved until unless you are not including all the all the states and all 140 crores population here multiple issues are there gender inequalities are there caste systems are there afterwards

तो क्या सिर्फ पॉपुलेशन इकोनॉमी सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस सिटीज आईटी डेवलपमेंट ये सब सफिशियंट होंगे सिर्फ ये सब सफिशियंट नहीं होंगे अगर इस तरह से लिस्टिंग करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मोर देन टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड एरियानेक्टेड टू इच अदर हाउ टू मेक ए कनेक्टेड पॉइंट मीनस मेजर एरिया हाउ दीज इशूज विल बी कनेक्टेड टू इच अदर एंड वेयर वी हैव टू फिक्स इट तो उसके लिए हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं नाउ जस्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में जो हमारा गोल है जो हमारा गोल है विकसित भारत का एज ए इंडियन एज ए भारतीय कुछ शब्दों में पहले कैसे इसको व्यक्त कर सकते हैं हाउ वी कैन कंप्रेस इट एंड अंडरस्टैंड लाइक ए आवर प्रियम्बल ऑफ द कंस्टीट्यूशन कंस्टीट्यूशन इज ए बिग डॉक्यूमेंट बट प्रियम्बल इज ए वन पेज डॉक्यूमेंट विच विल गिव द ऑल द ऑल द वॉटर स्पिरिट ऑफ स्पिरिट ऑफ कंस्टिट्यूशन इज देयर इट इज गिवन इन वन पेज देन सेम वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि विकसित भारत तो एक बहुत लंबा टॉपिक है और उसको हमें कैसे अचीव करना है उसपे हमें बहुत ज़्यादा डिस्कसन की जरूरत है बहुत सारे इंटलेक्चुअल इनपुट की जरूरत है बहुत सारे रिपोर्ट्स पर हमें अध्ययन करना पड़ेगा बहुत सारे प्लानिंग पार्ट्स पर को देखना पड़ेगा बट इन नट सेल एज ए प्रियम्बल वॉट इज अवर गोल हाउ टू डिफाइंड इट तो हमारे लिए तो बेस्ट है कि ये सेवन एस के फॉर्मूला को अपना लिया जाए सेवन एस कॉन्सेप्ट है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो कि आप पहली बार सुन रहे होंगे कि इतनी होलिस्टिक तरीके से इस सेवन शब्दों को अगर हम समझने की कोशिश करें फिर उसका रास्ता हमें पता चलेगा कि इसको अचीव कैसे करें उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्लान है और उस प्लान को इवन एग्जीक्यूट किया जा सकता है इट इज एग्जीक्यूटिवल प्लान तो सबसे पहले तो हमें सुरक्षित होना होगा कोई भी राष्ट्र जब तक सुरक्षित नहीं है वो विकसित होने का सपना नहीं देख सकते सुरक्षा का मतलब अगेन हमें बहुत डिस्कशन की जरूरत है ये तो अभी पहला एपिसोड है इस पर ना जाने मुझे लगता है मैं सौ एपिसोड भी बनाऊंगा तो कम पड़ेगा तो सबसे पहले तो हमें सुरक्षित होना होगा सुरक्षित एक्सटर्नली इंटरनली एंड फ्रॉम आवर ओन सोशल थ्रेट्स जो हमारे बीच में लोग रहते हैं वो भी हमारे लिए थ्रेट्स बने हुए हैं इनविजिबल तरीके से हमें उन सारे चीजों से सुरक्षित होना पड़ेगा तो सबसे पहले तो एक सुरक्षित भारत चाहिए और दूसरा हमें चाहिए समर्थ भारत समर्थ भारत कि हम किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकें कितना भी कठिन सिचुएशन आ जाए आप आए दिन सुनते होंगे जापान में आज अर्थको आ गया हमने कभी उतना डिजास्टर देखा ही नहीं है भारत में उतने तो अर्थक्वेक आते नहीं है लेकिन कभी ये सुना है कि जापान में इस अर्थक्वेक के बाद जापान की इकोनमी डाउन होते चली गई और फिर से रिकवर नहीं हुआ कभी आपने सुना है आप पिछले ट्वेंटी ईयर्स में अगर आप थोड़ा भी न्यूज न्यूज़ को फॉलो करते होंगे या करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे तो कभी नहीं सुना होगा ये बस ये सुना होगा कि जापान में 7.8 पॉइंट एट रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया और जापान की जापान का ये एरिया खत्म हो गया इतना पे इतना नुकसान हुआ इतना नुकसान लेकिन विद इन फ्यू मंथ दे विल रीबिल्ड दे हैव द कैपेसिटी दे आर समर्थ वो पूरी तरह समर्थ हैं अपने जो भी समस्याएं हो उससे निपटने के तो हमें समर्थ बनना पड़ेगा ऐसा नहीं एक छोटा सा कुछ इशू हुआ इंडिया बिकम डाउन ऐसा नहीं होना हमें समर्थ बनना है कि हमारे साथ कितनी भी मुश्किलें आ जाए फिर से एक बार खड़े होकर तैयार हो जाए सशक्त होना होगा सशक्त मतलब हमेशा तैयार आप ऐसा नहीं कि थोड़ा सा काम करके सो गए अगर आप जस्ट सपोज करो कि बॉर्डर पर जो आर्मी रहते हैं वो दिन में ड्यूटी कर लिए बोले आज कुछ तो नहीं है कहीं से कोई समस्या नहीं है सो जाओ तो रात में हमला हो जाएगा तो हमें सशक्त रहना होगा सिर्फ बॉर्डर पे नहीं बॉर्डर पे तो हमने एग्जाम्पल दिया वहाँ पे तो लोग सशक्त हैं हम लोग सशक्त नहीं हैं सिविलियन सशक्त नहीं है तो हमें सशक्त रहना होगा अपने लाइफ को हर पल कैसे पर्सनल लेवल पे फैमिली लेवल पे अपने प्रोफेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे कैसे इसको बेहतर से बेहतर से बेहतर बनाए तो हमें सशक्त रहना पड़ेगा हमें शिक्षित बनना पड़ेगा शिक्षित भारत चाहिए शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो हमारा जो लॉर्ड मैकाले ने हमारे ऊपर थोप दी है एज ए ब्रिटिश एजुकेशन कि हम जस्ट उसको मेमोराइज़ करें उसको एग्जाम में रिप्लीकेट करें और ए प्लस मार्क्स लेके आए पेरेंट्स खुश हो जाए हमारी शिक्षा खत्म हो गई शिक्षित होने का मतलब बहुत ज़्यादा है और हमारी शिक्षा शिक्षा पद्धति में तो आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है ये शिक्षा जो हम ढो रहे हैं पिछले पचास सालों से साठ सालों से इवन उसके पहले जब इस्लाम का रूल था तो उन्होंने अपनी शिक्षा को थोपा लेकिन वो उस हद तक कल्चरली नहीं पेनेट्रेट किए जिस हद तक ब्रिटिश किए क्योंकि ब्रिटिश इस ब्रिटिश इस बात को समझ गए थे कि जब तक इंडिया के रूट पे हमला नहीं करेंगे हम इस पे शासन नहीं कर सकते उसने हमारे रूट पे हमला शुरू किया और हमारा रूट था हमारा ज्ञान हमारा ज्ञान का वंडार जो हम पिछले हजारों 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 साल से जिसको हमने सींचा था और जिसके दम पे भारत विश्वगुरु बना था तो उसने हमारे ज्ञान पे हैमर करना शुरू किया और हमारा जो नॉलेज था उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया कि हमें अपने ही ज्ञान और अपने ही सिविलाइजेशन पे शर्म महसूस होने लगी तो शिक्षित शिक्षित भारत चाहिए और नेक्स्ट स्वस्थ भारत चाहिए आए दिन आप न्यूज में सुनते होंगे बीमारी हो गई सौ लोग मर गए सौ लोगों का मरना इतना आसान ऐसे लग रहा है कि सौ चीटियां मर गई आज यहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो गई दो सौ लोग मर गए आज यहाँ पे ये हो गया इतने लोग मर गए आप अगर देखेंगे तो ना जाने कितने चीज जो कि अच्छी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के अभाव में अच्छी इम्यूनिटी के अभाव में अच्छे फूड नहीं मिलने के अभाव में इन सारी चीज़ों के कारण लोग मरते रहते हैं। क्या हम युवा भारत को जो कि सबसे यंगेस्ट नेशन है अभी पूरे विश्व में हमारा ये देश सबसे यंग है यंग करने का मतलब हमारे जो मीन मीन एज है वो अराउंड ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स है उतना उतना युवा कोई भी राष्ट्र नहीं है और ये हमारी सबसे बड़ी सबसे बड़ी एडवांटेज है और उस युवा युवा देश के युवा नागरिक को हम मरते दें किसी भी कारण से तो विकसित भारत नहीं बन सकते संभव नहीं होगा तो हमें चाहिए स्वस्थ भारत स्वस्थ भारत तभी हम आगे काम कर पाएंगे और भारत के लिए कुछ कर पाएंगे और उससे भी आगे जो एक भारत के लिए सबसे मैटर करता है और जिसके कारण हम जाने जाते हैं पिछले हजारों सालों से हमारे लिए सिर्फ इकोनॉमी मैटर नहीं करती है हमारे लिए सिर्फ सुरक्षा मैटर नहीं है कि हम डिफेंस में बहुत आगे हो गए इकोनॉमी में हमारा रैंक आ गया सब कुछ हो गया सब सही है भाई अब हम डेवलप्ड भारत हो गए सो जाओ नहीं हमारा सबसे जो मेन है सुसंस्कृत भारत चाहिए हमें कि एक हमारे वैल्यू सिस्टम पे स्ट्रांग भारत हमारे यहाँ युद्ध की भी नीति होती थी हम ऐसे लोग नहीं है जो ये बोलने वाले थे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर नो एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर आपने कभी हिंदी में सुना ही नहीं होगा कि युद्ध युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है नहीं जायज है हमारे युद्ध में भी नीतियां होती थी और कितने लोग अपने नीतियों और अपने वैल्यूज को फॉलो करते हुए युद्ध में मर गए हनुमान जी चाहते तो जब लंका गए थे सीता जी से मिलने के लिए हनुमान जी में इतनी कैपेसिटी थी कि वो रावण को मार देते उन्होंने इस बात को बोला भी है जब उन्हें बंदी बना के उनके दरबार में पेश किया गया तो बोला कि मैं इतनी शक्ति रखता हूं कि तुम्हें मार सकता हूं लेकिन मैं नहीं मारूंगा क्योंकि युद्ध नीति के खिलाफ होगा तुम्हें मारने का श्रेय श्री राम को ही जाना चाहिए तो ऐसे ऐसे भरे पड़े एग्जाम्पल हैं तो हमें सिर्फ वैसा नहीं बनना है कि सिर्फ तलवार के जोर पे हमें हमें अपनी सभ्यता को दूसरों पे थोपनी है हमें किसी पे थोपनी नहीं है सभ्यता हमें भारत को विकसित करना है हमें ना किसी पे हमने हजारों साल से ना किसी पे अटैक किया है ना हमें किसी पे अटैक करने का कोई हम इरादा रखते हैं बट हमें सुसंस्कृत भारत बनना है और सबसे अंत में जो है वो है स्वर्णिम भारत स्वर्णिम भारत है जो कि पहले जिसको हम बोलते थे सोने की चिड़िया स्वर्णिम भारत हमारा गोल्डन हिस्ट्री जो कि अराउंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी इफ यू यू आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न हिस्ट्री अगर हमारा अनरिटन हिस्ट्री लेंगे तो हमारा तो सनातन है

AD tak, before Islamic invasion around 800 AD Islamic invasion has started around 1200 AD they are fully established that we used to call Delhi Sultanate all these all are just a point already you know I am just refreshing but one thing is very clear without understanding of historical events we will not able to build our future.

तो ये जो 2000 साल का काल है जिसको हम लोग हिस्ट्री में मॉरियन पीरियड गुप्त काल बोलते हैं जो बड़े 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 शासक हुए बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए सारे हुए हम यहाँ से ब्रिटिश रूल के बाद डिस्कनेक्टेड होते चले गए हमारी सारी संपदा लूटती चली गई और हम बस दबते चले गए दबते चले गए दबते चले गए और आज तक दबते जा रहे हैं इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी पहली बार मौका आया जब हमारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में और हमारे बोल सकते हैं कि मोदी जी में हमारे जो हमारे जो जो सत्ता चला रहे हैं उनमें इतनी शख्सियत है कि वो खुलकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि विकसित भारत हमें बनाना है तो उसके पहले तो किसी के पास विजन ही नहीं था लोग पुरानी पुरानी चीज़ों को बस ढोते चले आ रहे थे इस पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे लेकिन हमारा जो ये सेवेन एस लक्ष्य है जो हमारा मूल लक्ष्य है वो है हमारा सुरक्षित समर्थ सशक्त शिक्षित स्वस्थ सुसंस्कृत एंड स्वर्णिम विकसित भारत तो ये सारे चीज़ों को समझने के लिए हमें और भी ज़्यादा इनडेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है हमें सुपरफिशियल तरीके से समझ के सिर्फ चीज़ों को स्प्रेड करने से कुछ नहीं मिलेगा हमें उन चीज़ों को इनडेफ्थ में समझना होगा और हमें पर्सनल लेवल पे क्या उसमें कर सकते हैं कंट्रीब्यूट उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि हर एक एक से मिलकर ही बनेगा डेवलप्ड भारत कोई अकेला मोदी जी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाएंगे डेवलप्ड भारत कोई ऐसा नहीं आएगा रात में कि किसी के हाथ में जिनका चिराग लग जाएगा और वो भारत को डेवलप्ड भारत बना के चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है या नीति आयोग एक विजन डॉक्यूमेंट बना रही है विजन टू सिर्फ वो डॉक्यूमेंट भारत को नहीं डेवलप कर डेवलप करेंगे वो सब बस एक सपोर्टिंग है सिर्फ कुछ डेवलप्ड स्टेट जो है भारत को वहां तक लेकर नहीं जाएंगे जहां से आप बोल सकते हैं भारत को एक विकसित भारत है कैसे होगा ये सब ये सब होने के लिए हमें और भी गहराई में चीजों को समझना होगा और इसे एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करना पड़ेगा और कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करें उसके बारे में सोचना पड़ेगा तो एक करोड़ भारतीयों का जो सपना है विकसित भारत इसको लेकर के डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा और फिर मिलते हैं आपसे एपिसोड टू में थैंक यू थैंक यू वेरी मच